ये घर है सायरा का कराची में। ये तो सायरा की मेहरबानी है कि एहसन के कहने पे उसने अपने घर की चाबी फौरन मेरे हवाले कर दी। घर देखकर तो नहीं लगता कि सायरा जो है वो ज्यादा खाते पीते घर की है। ऐसे ने क्या देखकर शादी की उससे? जरूरी तो नहीं है कि शादी पैसों की खातिर की जाए। एहसन के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ जाहिर है, पैसा है तभी तो दो दो बीवियां रखकर अय्याशी कर रहा है वो। ऐसा ने हमारी मदद की है और सायरा ने हमारी मदद करने में उसका साथ दिया है। आप कम से कम बस बस, सारी जिंदगी के लिए इस घर में रहने नहीं आए हम लोग, और वैसे भी घर ज्यादा अरसा बंद रहे तो उसपे आसे बसेरा कर लेते हैं। बंद घर ऐसे नहीं होते, रोजाना मासी आती है यहाँ सफाई करने के लिए। भूख लग रही है मुझे, मासी आती है ना इस घर में तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा फ्रिज में। जाओ मैं फोन पे ऑर्डर देके कुछ मंगवा लेती हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे पता है। हसन किधर जा रहे हो तुम? इधर आओ बैठो यहाँ पर। जी बाबा। बहुत बुरा लगता हूँ ना तुम्हें? नहीं बाबा। तुम्हारी माँ तो बहुत बुराई करती होगी मेरी, है ना? मुझे आपसे डर लगता है तो मामा मना करती है। अच्छा और क्या बोलती है मामा? वो बोलती है बाबा बहुत अच्छे हैं। अच्छा और? मैं नानू और मामू के साथ नहीं बाबा के साथ रहने। ये सब बातें तुम्हारी माँ बोलती है? वो बोलती है अगर बाबा मारते हैं तो प्यार भी बहुत करते हैं। ठीक कहती है तुम्हारी, इतना बुरा भी नहीं हो। जी बाबा। डर लग रहा है ना मुझसे? जाओ अपनी मामा के। बाबा के पास बैठो तुम। बेटा आप बाबा के पास ले लो, मैं 2 मिनट में चाय बना के आई। इससे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो सिर्फ। स्नान किसका बेटा है? बाबा का। मामा अच्छी हैं या बाबा? बाबा। 2 घंटे बच्चे को पटियां पढ़ाने से ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो जाएगा? तो बाप बेटी ना एक ही डगर पर चल रहे हैं। मेरा कारोबार बंद होने वाला है, लोगों के फोन आ रहे हैं, घर की इतनी सारी जरूरतें हैं। किसका घर है? आपको वो घर अच्छा नहीं लगता था ना, आप कहते थे वहाँ नहीं रहना, इसलिए अभी हम यहीं आ गए। वो तो मैं बाबा और चाचू की वजह से कहता था, लेकिन यहाँ तो बाबा भी है, मुझे तो नानू और मामू के घर में रहना अच्छा लगता है। बेटा अब चाचू यहाँ नहीं आएंगे, नानू और मामू हमसे मिलने यहाँ आते रहेंगे और हम भी उनसे मिलने वहाँ चलेंगे। मामा यहाँ से चले ना, मुझे बाबा से बहुत डर लगता है। नहीं बेटा इस तरह नहीं कहते, वो आपके बाबा है ना। क्या पटियां बढ़ा रही बच्चे? मैं क्या पटियां पढ़ाऊंगी? अगर पटियां ही पढ़ानी होती तो मैं असनैन को लेके आपके साथ आती नहीं। वो तो तुम्हारी मजबूरी थी, इतनी आसानी से तुम लोगों को वहां नहीं छोड़ता मैं।
आप क्यों नहीं समझते नबील कि ये रिश्ते इस तरह नहीं बनते? अगर मुझे आपके साथ आना नहीं होता तो मुझे दुनिया की कोई ताकत आने पे मजबूर नहीं कर सकती थी। ये तो मुझे बता रही हो या धमकी दे रही? क्यों धमकी दूंगी मैं आपको? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है भी नहीं। नबील, हसनैन बच्चा है आपका। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे खौफ ज्यादा रहे या आपसे डरता रहे। वो भी और बच्चों की तरह अपने बाप से मोहब्बत करे, उस पर फख्र करे। दिन रात तुम इसके दिल में मेरे खिलाफ जहर भरती रहती। क्यों फख्र करेगा मुझ पर? ये मोहब्बत कहाँ से करेगा? मैं अपने बच्चे के दिल में उसके बाप के खिलाफ क्यों नफरत का जहर भरूंगी? नबील, आप क्यों नहीं समझते? मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। प्लीज नबील, हसनैन की शख्सियत को टूट फूट का शिकार होने से बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज नबील, आंखें खोल के देखें जरा। मैं आपकी बीवी हूँ और हसनैन आपका बेटा, और यही हमारी दुनिया है। क्या करूं शादी? माँ बाप के गुजर जाने के बाद इस दुनिया से सिर्फ धोखा ही खाई। हर मोड़ पर धोखा खाया मैं। छोटे भाई को बाप बनकर पाला मैंने। तुमने देख लिया उसकी कैसे लगी? इसलिए शायद इतना पत्थर दिल होगी। अब किसी पर एतबार करने का दिल नहीं करता। मैं जानता हूं तुम लोगों के साथ हमेशा बुरा किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरा साथ दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका एतबार और आपकी मोहब्बत चाहिए। घड़ी कहाँ है मेरी? मेरी आपकी पाउच। रखता कहाँ हूँ, मिलती कहाँ है? आप कहीं जा रहे हैं? कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं? इससे पहले मैंने कभी जॉब की है? किस मीटिंग में जा रहे हैं? कितने सवाल करती हो तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बीवी नहीं, जो इस तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए तुमने। मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी कि मुझे मामा की तरफ जाना था। कोई ऐसा दिन है जिस दिन तो मैं मामा के घर नहीं जाऊं? आप मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे? जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारे सब कदम नहीं पड़ने चाहिए। मेरा इंतजार मत करना। तो सायरा को क्या चक्कर था? आंटी बता रही थी कि वो फिर घर से भाग गई थी। हमें तो हर बात को नया रंग देती है। सायरा ने मुझे फोन कर दिया था कि वो अपनी फ्रेंड के घर जा रही है। आंटी और अंकल तो काफी परेशान थे, उसने तो अपना सेलफोन भी ऑफ करके रखा हुआ था। सेलफोन तो बैटरी की वजह से बंद था। तुम ये बताओ, ये सायरा और शाजिया में अनबन क्यों है? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है सारा शाजिया के भी पीछे पड़ गई है। अगर शाजिया के साथ कुछ होता है तो जरूरी है वो सारा ही करवा रही है। मुझे क्या मालूम, मैं तो वही बता रही हूँ जो आंटी महसूस कर रही है। तुम्हारी आंटी तो आजकल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। अगर आंटी इतनी बुरी होती तो सबसे पहले मुझ पर शक करती। लगता है उन्हें यह शक हो गया कि शाजिया के यहाँ ठहरना सारा के लिए गवारा नहीं। देखो, तुम उनका दिल साफ कर सकती हो क्योंकि तुम भी उनकी बहू ही हो। इस सास बहू के झगड़े में मैं नहीं पड़ने वाली। पता चले आंटी मुझे भी गलत समझने लग जाए। तुम तो इन दिनों अम्मी की गुड बुक में हो,
तो तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकती। आप क्या चाहते हैं? मैं सायरा का फेवर करके उनकी बैड बुक्स में आ जाऊं? एक बार कोशिश तो करके देखो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार वो सायरा का नाम सुन ले, उनका पारा आसमान पे चढ़ जाता है। मैं उनसे बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकती, पहले ही बहुत मसले देख चुकी हूँ। अम्मी की आदत है, अगर वो किसी के खिलाफ हो जाए तो दिल साफ होने में काफी वक्त लगता है। इसीलिए तो मैं पहले से मोहताज हूँ। तेरे मगर इजाजत हो तो आज सारे की तरफ चला जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। जो दिन मेरे हैं वो मेरे ही रहेंगे। जब आप सायरा के पास होते हैं मेरी भी ये ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं इसलिए कुछ नहीं कहती कि सायरा भी ये डिमांड ना करना शुरू करते। कहाँ जाना है मुझे? जेब में डेला नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। कल ही तो आपने मुझसे 1000 रुपए लिए थे। 1000 रुपए दिए थे, 1000 डॉलर नहीं दिए। तुम 500 का सौदा आ गया और 300 तुम्हारा बच्चा खा गया। 2 लाख डॉलर बचे हैं, बता दो क्या करना है। इस तरह कब तक चलेगा? मुझे घर वालों से बार बार मांगते हुए शर्म आती है। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन सोहेल जाते जाते बर्बाद कर गया मुझे। खाली हो गया अकाउंट मेरा, उसका कर्जा अदा करते करते। सोहेल के कर्जदारों से बचने के लिए ही तो हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। अब कोई कानून का खजाना तो है नहीं मेरे पास, जितनों के मुंह बंद कर सकता था कर दिए। वहां तो आना जाना ऐसे लगा हुआ था जैसे डॉक्टर के पास मरीज, एक के बाद एक। इस तरह तो हमारे मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। सोहेल के बंदों से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता, अब हम दोबारा उस घर न जाएं। यहाँ तो आसानी है कि किराया नहीं देना पड़ता, लेकिन कब तक? ये मेरी भाभी का घर है। 2 रास्ते हैं, किराए का घर या फिर तुम्हारा मैका। सॉरी, मैं अपने मैके में आपके साथ नहीं रह सकती। क्यों, क्या बुराई है इसमें? जहाँ बहू बेटियां परेशान होती हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं उन्हें। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर वालों से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक कह रही हो, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। बरसों की आदत, जाते जाते जाएगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। चाय लाऊं आपके लिए? राजी, मैं बहुत बुरा हूं। नहीं तो किसने कहा? कहते तो सभी बकवास करते हैं सब। आप बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूं मैं कितना अच्छा हूं। क्यों आज अपनी गलतियों, कोताहियों और तुम पर और हसनैन पर किए गए मजालिम का इतराफ करने का दिल चाह रहा है? मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। शाजी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। पता नहीं कौन सा ऐसा काम किया है जिसके बदले अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बीवी दी। क्या हो गया नबील आपको, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? पता है शाजी, इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। मैं अगर इसलिए अपनी सारी गलतियों और कोताहियों का इतराफ करने के बावजूद अगर मैं अपने रवैये में कोई खास तब्दीली नहीं ला सका तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज मैं वो सब कुछ कह देना चाहता हूँ शादिया, जो मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। हसनैन का है? वो सो रहा है। शादिया, मैं सोच रहा था कि आज शाम हम हसनैन को पार्क लेकर चले। वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। और खाना भी बाहर खाएंगे हम।
गया अम्मी, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो ऑफिस? वो असल में आज मैं भूल गया था, मेरी बैक टू बैक दो मीटिंग्स हैं, तो जाना जरूरी है। ठीक है, नाश्ता तो करके जाओ। नाश्ता कर लिया था कमरे में। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो, क्या हवा के घोड़े पर सवार हो? अम्मी कोई जरूरी बात हो तो कर ले, बाकी बातें शाम में कर लेंगे। अच्छा ये बताओ कि सायरा घर कब वापस आ रही है, कब तक अपनी दोस्त के पास पड़ी रहेगी? असल में अम्मी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक दो रोज में आ जाएगी। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं तो उसे तो अपने घर में होना चाहिए, न कि दूसरों के घर में। वैसे मुझे तो सायरा की ज़हनी हालत पर शक होने लगा है। अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? सायरा को कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है वो, उस डॉक्टर ने कहा था थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे वाह, जबरदस्ती का स्ट्रेस है, वरना इस घर में क्या तंगी है उसे? अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही है, उस पर भी दिमाग खराब है। अम्मी आप भी शाजी वाला किस्सा लेकर बैठ गई, जब शाजी अपने घर जाकर अपने शौहर के साथ खुश है तो फिर क्यों बार बार आप वही बात कुरेद रही? इस किस्से को यहीं दफन कर देना। हालांकि सायरा ने शाजी को अपने कराची वाले घर की चाबियां भी दे दी, अबील और शाजी वहीं रह रहा है। लेकिन जब मैं उसकी हरकतों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरा खून जलने लगता है। मैं आप ये भी तो सोचे, आपकी बातें सुनकर दूसरों का भी खून जलता होगा। ऐसे ऐसा तुम आजकल सायरा के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते, आखिर ऐसा क्या घोल के पिला दिया तुम्हें कि तुम्हें मेरी बातें भी बुरी लगने लगी हैं? प्लीज अम्मी, अब इस तरह की बातें करना छोड़ दें, क्या हो गया आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी मोहब्बत तो आज भी वैसी है। लेकिन तुम आजकल अपनी बीवी पर कुछ ज्यादा मरमिटे नहीं हो, मुझे तो डर लगता है उस वक्त से कि पता नहीं तुम्हारा अंजाम क्या हो। इस बहस में 10 मिनट निकल गए, ऑफिस पहुंचना होगा मुझे, शाम को बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, अल्लाह ही रहम करे। कि क्या मॉर्निंग शो वाले भी दिखाते रहते हैं। नहीं ऐसा तो अभी सो रहे हैं। नहीं मामा, मैं सायरा को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी, और वैसे भी शाजिया हसन वाले वाकये के बाद और भी बुरी तरह मेरी जंगल में फंस चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। बस आप देखती जाएं, एहसन समेत तमाम घर वाले सायरा से नफरत करने लगेंगे, और मैं शाजिया के जरिए उसको तलाक भी दिलवा दूंगी। इस तरह उस मुसीबत से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अच्छा, तो आज राज खुला मेरे सामने। इस घर में जो कुछ भी होता रहा उसकी जिम्मेदार तुम थी। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकता। एक तलाक तो दे ही चुका हूं ना मैं तुम्हें, बाकी दो तलाकें भी ले लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक देता हूं मैं तुम्हें।
अब मैं कभी भी सायरा को खुद से दूर नहीं करूंगा। बहुत दुख सह लिए उसने, मुझे क्या पता था एरम इतना भयानक खेल खेल रही है। अब हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आएगा कभी भी। मैं अभी कॉल करता हूँ सायरा को। नंबर क्यों बंद है सारा का? व्हाट्सएप कर देता हूं। अरे सारा का व्हाट्सएप? आई एम सॉरी हसन, बार बार आपकी जिंदगी में आना और जाना बहुत अजियतनाक है मेरे लिए। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि आपके घर में मेरे लिए कभी भी जगह नहीं बन सकती। मुझे किसी ने भी दिल से कबूल नहीं किया। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा भी इसी तरह की जिंदगी गुजारे। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरे पीछे मत आइएगा। फराज मामू के साथ एक घंटे के बाद मैं अमेरिका के लिए रवाना हो रही हूँ। खुदा करे आप हमेशा खुश रहें एरम के साथ। हाँ अली, अभी इस्लामाबाद के लिए जो भी फ्लाइट जा रही है उसमें मेरी सीट कंफर्म करवा दो। हाँ इमरजेंसी है। ठीक है, सारी डिटेल व्हाट्सएप करना। ओके। एक घंटे के बाद की फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगी, पर इस व्हाट्सएप को आए हुए तो डेढ़ घंटा हो गया। इसका मतलब है मैं लेट हो गया। ओ गॉड, एक जरा सी बात में तुमने इरम को तलाक दे दी। एक बार पहले भी तुमसे तलाक दे चुकी और मैंने तुम्हें समझाया था कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम जानते नहीं कि तबस्सुम भाभी और असद भाई से हमारे कितने पुराने ताल्लुकात हैं? आगा जान और असद भाई की दोस्ती तो इतनी पुरानी है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। आगा जान को अगर पता चलेगा कि तुमने इरम को तलाक दे दी तो पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमने क्या कर दिया, क्यों किया ऐसा नैसा? ये जरा सी बात नहीं अम्मी, इरम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है उसमें इरम का हाथ था, और आप लोगों के बीच में जो भी गलत फहमियां पैदा हुई वो भी इरम की वजह से हुई, और उसी की वजह से सायरा मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए तो ऐसा मैं तुम्हें हमेशा समझाती रहती कि जिंदगी के इतने बड़े फैसले इस तरह अचानक नहीं किए जाते, बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ते। जीने के लिए हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन तुमने जल्दबाजी में इतना कुछ कर दिया। तुमने जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। देखो आज रह गए ना खाली हाथ तुम। मैं सोच रहा हूँ मैं भी अमेरिका चला जाऊँ। कोई फायदा नहीं। तो और क्या करूँ मैं? वक्त के धारे पे छोड़ दो सब कुछ, देखो कि वक्त हमें कहाँ ले जाता है। कमरे में जा रहा हूँ मैं। इसमें क्या कर दिया? आगा जान को पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें। क्या करूं? सुध बुध खोई होश गवाया, तुम नहीं आए चैन ना आया। की मारी हुई कैसे मैं कहूं तो
सब हारी हुई कैसे मैं कहूँ तू ही न जाने पिया तू। मैं तो आपकी बात अपने दिल में छुपा ली और जब तन्हा होती हूँ तो आपकी याद मुझे तन्हा नहीं होने देती। वैसे जब हम कराची चलेंगे ना तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं रहना। मेरे दिल में तो इरम के लिए भी जगह है लेकिन वो मुझे कभी नहीं समझेगी। मैं तो उसकी तंजिया बातों को भी आपकी मोहब्बत के सबके फरामोश करती हूँ। चले नहीं धड़कन सांस ना आए तोरे बिना जीवन रास ना आए तू जो गया दूध पिया नैनों से मोरे कोई सुख मन के पास ना। इस थोड़े से अरसे में मेरे साथ जो हुआ मैंने उसे बर्दाश्त किया। कभी जज्बात में आकर आपसे भी नाराज नहीं हुई, कभी ना मिलने की कसम खाई, मगर आपसे दूर होते ही मुझे अंदाजा होता है कि जैसे नामुकम्मल हो गई हूँ मैं। चले नहीं धड़कन सांस ना आए तोरे बिना तू जो गया दूध पिया नैनों से मोरे कोई सुख मन के पास ना। सारी रतियां मैं राह निहारूं जागी हुई अखियों में रहन गुजारूं।